हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर व्यूअर्स। वंस अगेन हमारा आज का टॉपिक है आरएमओ का कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे ज्योमेट्री रिलेटेड। सो आरएमओ एक बहुत हाई स्टैंडर्ड एग्जाम हम जानते हैं सब, तो हमें क्वेश्चन भी बहुत हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता है, तो वहीं से दो चार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके उसको देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एबीसी ट्राइंगल है इन विच एबी इक्वल टू एसी गिवन है, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन एसी एंड एबी रेस्पेक्टिवली सच दैट सीबी इक्वल टू बीपी इक्वल टू पीक्यू इक्वल टू क्यूए, ये चारों इक्वल है। देन हमें निकालना है एंगल एक्यूपी इक्वल टू एक्यूपी एंगल का मेजर कितना होगा। तो पहले हम एक आईसीसीएस ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हो गया एबीसी जिसमें एबी इक्वल टू एसी गिवन है, पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन एबी एंड एसी रेस्पेक्टिवली, सॉरी एसी एंड एबी रेस्पेक्टिवली। तो यहां पे सपोज पी हो गया तो इसको ज्वाइन कर दिए, यहां पे हो गया क्यू इसको ज्वाइन कर दिए, यहां पे गिवन है सीबी इक्वल टू बीपी इक्वल टू पीक्यू इक्वल टू एक्यू, ये चारों इक्वल गिवन है। देन हमें निकालना है एंगल ए क्यू पी, दैट मीन्स इस एंगल का मेजर निकालना है कितना होगा। सो और ये गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी गिवन है। सो एट फर्स्ट हम लेते हैं इन ट्राइंगल ये वाला बी सी पी, इस ट्राइंगल में बी सी इक्वल टू बी पी, देयरफॉर एंगल बी सी पी इक्वल टू एंगल बी पी सी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। ये दोनों एंगल को मान लिए एक्स। अब इन ट्राइंगल बी पी क्यू, बी पी इक्वल टू पी क्यू, ये भी गिवन है। सो देन ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल पी बी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू बी इक्वल टू वाई, सपोज ये दोनों हो गया वाई। एंड इन ट्राइंगल ये वाला ए क्यू पी और ए पी क्यू, इन ट्राइंगल ए पी क्यू ए क्यू इक्वल टू पी क्यू, अगर ये दोनों इक्वल हो गया देन ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। सपोज दोनों को जेड मान लेते हैं तो एंगल क्यू ए पी इक्वल टू एंगल क्यू पी ए इक्वल टू जेड, ये जेड मान लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक्स वाई और जेड के बीच रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो एक्स वाई जेड के बीच रिलेशन निकलेगा कैसे, अब इसी ट्राइंगल में इन ट्राइंगल एपी क्यू ऑल्सो वाई इक्वल टू जेड प्लस जेड, क्योंकि इस ट्राइंगल में ये हो गया एक्स, अगर इस ट्राइंगल को मानेंगे तो इस साइड एक्स प्रोड्यूस हुआ है, तो ये हो गया एक्सटीरियर, ये दोनों हो गया ऑपोजिट इंटीरियर, तो वाई इक्वल टू जेड प्लस जेड, यहां से हमें मिल गया वाई इक्वल टू टू जेड, इसको नंबर वन देके छोड़ते हैं, नंबर वन हो गया y इक्वल टू टू जेड। अब एक रिलेशन मिला, नेक्स्ट क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी ये एक ट्राइंगल है ए बी पी, अब ये साइड प्रोड्यूस हुआ दैट मीन्स ये हो गया एक्सटीरियर और ये दोनों हो गया ऑपोजिट इंटीरियर, तो x इक्वल टू वाई प्लस जेड, x इक्वल टू वाई प्लस जेड, यहां पे भी हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब y का वैल्यू है टू जेड, यहां से x इक्वल टू टू जेड प्लस जेड, यहां से हमें मिल गया x इक्वल टू
3z, ये हो गया नंबर टू। यहां से मिला था y इक्वल टू 2z, यहां पे मिला है x इक्वल टू 3z। ये दो रिलेशन हमें मिला, हम ये दो रिलेशन साइड में लिख के रखते हैं। यहां पे मिला x इक्वल टू 3z, ये हो गया सेकेंड नंबर, और फर्स्ट मिला था y इक्वल टू 2z, ये हो गया नंबर वन। अब ये दोनों रिलेशन हमें मिला है। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम कोई भी ट्राइंगल लेके एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करना है वो हमें देखना होगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए ये एंगल जब एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। सो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल एसीबी इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। नाउ एक्स दैट इज एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री होता है, दैट इज एएसपी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मींस ये एंगल एसीबी, ये एंगल और एंगल ये, अब ये तीनों का वैल्यू जानते हैं हम। एबीसी मींस ये हो गया एक्स प्लस एसीबी, ये भी है एक्स प्लस एंगल है दैट इज जेड इक्वल टू 180 को हम लिख सकते हैं पाई, क्योंकि आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई है तो इसको पाई से रिप्लेस कर दी, क्योंकि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। अब एक्स इक्वल टू क्या है 3z, तो एक्स इक्वल टू वैल्यू 3z रिप्लेस कर देते हैं। सो 3z प्लस 3z प्लस जेड इक्वल टू पाई, देन यहां पे हो गया 7z, 7z इक्वल टू पाई। सो यहां से जेड इक्वल टू पाई बाय 7, सो जेड का वैल्यू हमें मिल गया पाई बाय 7, ये जेड हमें मिल गया पाई बाय 7, जेड का वैल्यू आ गया ये। अब हमें निकालना क्या है, एंगल ए क्यू पी। ओके, तो यहां पे हम जेड का वैल्यू यहां पे लिख के रखते हैं, जेड इक्वल टू हमें मिला है पाई बाय 7। अब इन ट्राइंगल ए क्यू पी और ए पी क्यू, इसमें हम फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इन ट्राइंगल ए पी क्यू जेड प्लस जेड प्लस एंगल ए क्यू पी इक्वल टू पाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब जेड का वैल्यू हमें पता है पाई बाय 7, सो दैट मीन्स 2z इक्वल टू, ये हो गया 2z प्लस एंगल ए क्यू पी इक्वल टू पाई। तो जेड का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये होगा 2 पाई बाय 7 प्लस एंगल ए क्यू पी इक्वल टू पाई, सिंस जेड इक्वल टू पाई बाय 7। अब दिस इंप्लाइज एंगल ए क्यू पी इक्वल टू पाई माइनस 2 पाई बाय 7, सो दैट मीन्स 7 पाई माइनस 2 पाई बाय 7, सो दैट मीन्स 5 पाई बाय 7। सो एंगल ए क्यू पी इक्वल टू 5 पाई बाय 7, सो द आंसर इज ऑप्शन सी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 5 पाई बाय 7। सही था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एबीसी ट्राइंगल है, डीईएफ आर पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली ऑन बीसी सी एंड एबी, डीईएफ आर पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली ऑन बीसी सी एंड एबी सच दैट दे कॉन्कर एट पॉइंट के, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज गिवन के, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज के, and they all that three line segment that is AD, BE and CF passing through the point K. Also BD by DC equal to BF by FA, ये given है, and angle ADB that means ये angle equal to angle AFC, ये दोनों angle equal given है, then
एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई ये एंगल इसमें से किससे इक्वल होगा ये निकालना है चारों में से। तो इसको निकालेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, डी और एफ को ज्वाइन कर लेते हैं। डीएफ को ज्वाइन कर लिए। अब डीएफ को ज्वाइन क्यों किए आगे आते हैं। तो एट फर्स्ट हमें गिवन है, ये गिवन है ये कंडीशन, तो इसको लिखते हैं। फर्स्ट यू हैव बी डी बाई डी सी इक्वल टू बी एफ बाई एफ ए, ये गिवन है। अब ये जब गिवन हो गया दैट मीन्स बी डी बाई डी सी इक्वल टू बी एफ बाई एफ ए, दैट मीन्स हमारा ये जो लाइन हम कंस्ट्रक्ट किए हैं ये एसी से पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देयरफॉर हम लिख सकते हैं एफ टी इज पैरेलल टू एसी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये पैरेलल हो गया। अब ये दोनों जब पैरेलल हो गया इसका एप्लीकेशन हम आगे जाके करेंगे, इसे प्रूव करके रखेंगे। नाउ एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन। ऑल्सो एंगल ए एफ सी प्लस एंगल बी एफ सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर होता है, ये एंगल प्लस ये एंगल ये दोनों 180। नाउ दिस इंप्लाइज ए एफ सी इक्वल टू ए डी बी है, तो ए एफ सी को हम ए डी बी से रिप्लेस करते हैं। तो दिस इंप्लाइज एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी एफ सी इक्वल टू 180, दैट मीन्स ये एंगल प्लस ये एंगल 180 हो गया, ए डी बी प्लस बी एफ सी इक्वल टू 180। अब जब ये दोनों एंगल का सम 180 हो गया दैट मींस हम बोल सकते हैं बी डी के एफ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री हो गया। देयरफॉर बी डी के एफ इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया दैट मींस यहाँ पे एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये से पास होगा। अब हमें निकालना क्या है, एंगल ए बी ई दैट मींस ये एंगल। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी सर्कल के प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे तो ए बी ई दैट मींस एंगल एफ बी के, ये कौन सा सेगमेंट के ऊपर है, एफ के सेगमेंट के ऊपर है। अब एफ के सेगमेंट के ऊपर और कौन सा एंगल है, एफ डी के, ये भी है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल एफ बी के इक्वल टू एंगल एफ डी के, ये हो जाएगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये हो गया एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब एफ बी के यही एंगल होता है ए बी ई, ये दोनों एंगल सेम है। सो नाउ लिखते हैं एंगल एफ बी के इक्वल टू एंगल ए बी ई इक्वल टू ये एंगल एफ टी के, ये किससे इक्वल होगा, एफ डी के मीन्स ये एंगल है और ये दोनों लाइन पैरेलल हम प्रूव कर चुके हैं। तब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हुआ तो ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट, तो एफ डी के इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ए डी बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा दोनों, क्योंकि ये एंगल ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिला, देयरफॉर एंगल ए बी ई
इक्वल टू एंगल सी ए डी, तो एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल सी ए डी, सो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये हो गया करेक्ट आंसर। सो दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें क्या बोल रहे हैं, लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, तो यहां पे ए बी और ए सी इक्वल गिवन है, एंड आई बी इट्स इन सेंटर, दैट मीन्स एंगल ए एंगल बी एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे आई पे मीट करते, तो यहाँ पे एंगल सी ड्रॉ नहीं किया, एंगल ए का बाइसेक्टर और एंगल बी का बाइसेक्टर यहाँ पे आई पे मीट किया, तो आई हो गया इन सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। ऑल्सो बी सी इक्वल टू ए बी प्लस ए आई, ये गिवन है, देन एंगल बी ए सी, दैट मीन्स एंगल ए का मेजर निकालना कितना होगा, चार ऑप्शन है 45, 90, 60, 75, ये चारों में से कौन सा होगा ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, सिंस ए बी इक्वल टू ए सी देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू, सपोज ये दोनों को मान लेते हैं 2y, ये हो गया 2y और ये टोटल 2y, तो ये y और y हो जाएगा दोनों, तो क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों y y हो गया। ऑल्सो एंगल a इक्वल टू 2x, ये टोटल एंगल 2x मान लिए, तो ये हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा x, ये पहले मान लिए। सो यहां से देयरफॉर एंगल सी ए आई इक्वल टू एंगल बी ए आई इक्वल टू एक्स एंड एंगल सी बी आई इक्वल टू एंगल ए बी आई इक्वल टू वाई, ये दोनों वाई हो गया। अब यहां तक हम मार्क कर लिए, अब हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, हम सी ए को प्रोड्यूस करेंगे टिल डी सच दैट ए आई इक्वल टू ए डी ज्वाइन बी डी, ये हम कंस्ट्रक्शन कर लिए थोड़ा, ऑल्सो ज्वाइन डी आई, इसको भी ज्वाइन कर दिए, डी आई भी ज्वाइन कर दिए। तो अब हमें एक नया फिगर मिल गया, एक नया ट्रायंगल मिल गया, दैट इज बी सी डी, एक नया ट्रायंगल मिला। अब इस ट्रायंगल के ऊपर हम काम करेंगे, ये सब फिगर मार्किंग हम फिगर में कर लिए, तो इसका जरूरत नहीं है। अब हम पहले देखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू, हम जानते हैं 180 होता है, बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा एंगल ए बाय टू प्लस एंगल बी बाय टू प्लस एंगल सी बाय टू इक्वल टू 90। अब एंगल ए बाय टू मतलब ये एंगल हो गया एक्स प्लस एंगल बी बाय टू, ये हो गया वाई, इसको सी बाय टू पे फिलहाल के लिए सी बाय टू रखते हैं, इसको राइट साइड शिफ्ट करते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाय टू, ये हो गया। देन हमारा x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री माइनस एंगल ए आई बी, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज 180 डिग्री माइनस एंगल ए आई बी इक्वल टू 90 माइनस एंगल सी बाई टू, तो यहां से एंगल ए आई बी इक्वल टू हमें मिलेगा 180 माइनस 90 प्लस एंगल सी बाई टू, सो दैट मीन्स ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल सी बाई टू, सो हमें मिल गया एंगल ए आई बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल सी मीन्स 2y है, सो 2y बाई टू दैट इज 90 डिग्री प्लस y, ये टोटल मेजर मिल गया 90 डिग्री प्लस y, ये आगे जाके हमारा काम आया, तो यहाँ पे लिख के रखते हैं एंगल ए आई बी इक्वल टू हमें मिला 90 डिग्री प्लस वाई, ये रिजल्ट हम आगे जाके यूज करेंगे।
नाउ वी हैव बी सी इक्वल टू गिवन है ए बी प्लस ए आई, ये गिवन है। इसको लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। फिर यहाँ पे ए बी की जगह हम ए सी रिप्लेस कर सकते हैं ए सी प्लस, और ए आई इक्वल टू ए डी है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, तो ए आई की जगह हम ए डी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ए सी प्लस ए डी हो गया सी डी। सो देयर फोर हमें मिल गया बी सी इक्वल टू सी डी। अब बी सी इक्वल टू सी डी मिल गया, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। देयरफोर एंगल सी डी बी इक्वल टू एंगल सी बी डी, ये दोनों इक्वल हो गए। ऑल्सो एंगल सी डी बी प्लस एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया। अब यहां पे ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ये सी बी डी को हम एंगल सी डी बी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पे लिखते हैं एंगल सी डी बी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी। यहां से हमें मिला टू एंगल सी डी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी मीन्स 2y, तो इसको 2y रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां से मिल गया एंगल सी डी बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस y, तो एंगल सी डी बी इक्वल टू 90 माइनस y, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस y, एंगल सी डी बी इक्वल टू हो गया 90 माइनस y। ये दोनों एंगल हम मेजर कर लिए। अब इसके बाद एंगल ए आई बी प्लस एंगल ए डी बी, ये दोनों को सामने कर लेंगे। ए आई डी दैट मीन्स ये एंगल और ए डी बी मीन्स ये एंगल, ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे। तो इस एंगल का मेजर ये है 90 प्लस वाई, 90 प्लस वाई प्लस, और सी डी बी, सी डी बी और ए डी बी दोनों सेम एंगल है, तो इसके जगह 90 माइनस वाई, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, दिस इक्वल टू 180। अब जब ये दोनों एंगल का सम 180 हो गया, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ए डी बी आई इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर ए डी बी आई इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, देन हम लिख सकते हैं ये एंगल, दैट इज एंगल ए डी आई इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए बी आई, ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ए डी आई इक्वल टू एंगल ए बी आई इक्वल टू वाई, ये दोनों हो जाएगा वाई। यहां पे रीजन हो जाएगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये रीजन हो गया। अब ऑल्सो एंगल ए डी आई इक्वल टू एंगल ए आई डी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए डी इक्वल टू ए आई है, सिंस ए बी इक्वल टू ए आई, तो ये हो जाएगा वाई हमारा। नाउ एंगल सी ए आई इक्वल टू एंगल ए बी आई प्लस एंगल ए आई डी, सो दैट मीन्स एक्स इक्वल टू सी आई इक्वल टू एक्स है और ये दोनों वाई है, वाई प्लस वाई, तो यहां पे हमें मिल गया एक्स इक्वल टू 2y, ये एक रिलेशन मिला x और y के बीच। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया ए एस पी। अब एंगल ए मीन्स हो गया 2x, बी है 2y और सी भी है 2y इक्वल टू 180। अब 2y इक्वल टू x ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो इस 2y की जगह दोनों 2y की जगह x x रिप्लेस करेंगे, सो 2x प्लस x प्लस x इक्वल टू 180, दैट मींस 4x इक्वल टू 180 इंप्लाइज x इक्वल टू 45। तो हमें x का वैल्यू 45 मिल गया, देयरफॉर एंगल BAC equal to 2x, that is 2 into 45, so 90 degree, so angle BAC equal to 90 degree, so option B is the correct answer. So option B हो गया correct answer, so that is the answer. आशा करते हैं तीनों वीडियो अब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस, ताकि कोई भी नया वीडियो डालने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।